हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट को। तो दो पार्ट हम यहां पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पर लेंथी चैप्टर है, अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करके इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे, ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो देखिए, इससे पहले हमने, हमारे चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हम यहाँ पर पांच टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पढ़ा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, फिर हमने पढ़ा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने पढ़ा द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, और फिर हमने जाना कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो देखिए, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो सबसे पहले तो हम कंजर्वेटिज्म के बारे में जानते हैं, आगे तभी पढ़ेंगे। अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो देखिए, ये जो कंजर्वेटिज्म है ना, कंजर्व मीन्स होता है संरक्षित करना, बचा कर रखना। तो देखिए, ये एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है ट्रेडिशन की, और जो इंस्टीट्यूशन है, कस्टम्स हैं उनकी, और उन्हें बताया गया है कि उसमें चेंज इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। चेंज कैसे होने चाहिए? ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, और धीरे धीरे से चेंज होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो है कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ट्रेडिशन है, कस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, तो इन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए। तो लोगों का विचार ये था। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, तो फॉलोइंग किसे कहा गया है? नीचे आपको चार कंट्री के नाम दिए गए हैं, ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था 1815 में। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रीवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हेरिटेज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो देखिए, ये जो कंजर्वेटिज्म थे ना, इनका मानना था कि जैसे कि मोनार्की है, राजा महाराजा का शासन है, चर्च है, या दूसरी सोशल चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, इन्हें हमें बचाकर रखना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। तो देखिए, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रेवोल्यूशन हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो देखिए, बहुत सारे कंजर्वेटिव जो थे वो नहीं चाहते थे कि रेवोल्यूशन से पहले का जो समय था, दिन थे, वैसी वापसी हो समाज में, वो ऐसा नहीं चाहते थे। रैदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन द मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। तो देखिए, उन्होंने वापस से मोनार्क फॉर्म को ला दिया था, और उनका, तो देखिए, जब नेपोलियन आए तो उन्होंने मोनार्क फॉर्म को हटा दिया, लेकिन फिर से जब वॉर हुआ 1815 के बाद, जो कंजर्वेटिव थे वो क्या चाहते थे कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन हैं, उन्हें हमें संरक्षित करके रखना चाहिए। लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहते थे कि जैसा रेवोल्यूशन से पहले का समय है वो टाइम वापस लौट कर आए, वो ऐसा भी नहीं चाहते थे। तो देखिए, ये जो मॉडर्नाइजेशन किया था नेपोलियन ने, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर ऐसी मिली जुली जो है मोनार्क फॉर्म बने जिसमें मॉडर्नाइजेशन भी हो। मॉडर्नाइजेशन के साथ अगर ये मोनार्क रहेगी तो इसमें ज़्यादा ताकत आएगी। इट वुड मेक स्टेट पावर एंड मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए, उनका मानना था कि इससे जो मोनार्क फॉर्म होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ए मॉडर्न आर्मी एंड इफिशेंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनामिक इकोनॉमी एंड एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप। तो देखिए, ये जो कंजर्वेटिव
उनका मानना था कि ये जो मॉडर्न आर्मी है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, या जो इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट किया गया, जैसा कि हमने पढ़ा था कि उन्होंने कुछ मेज़रमेंट लागू किए, वेट और लेंथ को नापने की उन्होंने वो चीज़ें जो लागू की थी, या फिर जो रोक लगी हुई थी ट्रेड के ऊपर वो सब हटा दिए थे, तो वो चाहते थे कि वो सारी चीज़ें जो हैं लागू की जाएं, जिससे ये जो हमारी मोनार्क फॉर्म होगी ना यूरोप में, ये ताकतवर होगी, पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो वो चाहते थे कि कुछ मॉडर्न चीज़ें जो हैं मोनार्क फॉर्म में लागू की जाए उसे पावरफुल बनाने के लिए। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर, तो देखिए यहाँ पर यूरोपियन पावर कहा जा रहा है ब्रिटेन को, रसिया को, प्रूसिया को और ऑस्ट्रिया को, हु हैड कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन को हरा दिया था, मेट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो देखिए वो कहाँ पर मिले, वियना में मिले, क्या करने के लिए, यूरोप के सेटलमेंट के लिए। द कांग्रेस, तो उन्होंने जो है एक समिति बनाई कांग्रेस नाम से, वाज होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर। तो देखिए जो कांग्रेस था ये किसके द्वारा होस्ट किया गया, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेट्रेनिच। तो देखिए ये ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेट्रेनिच के द्वारा होस्ट किया गया। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। तो देखिए एक संधि बनाई गई, ट्रीटी मीन्स होता है संधि, तो एक संधि बनाई गई ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको नाम दिया गया ऑफ 1815, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वार। तो देखिए नेपोलियन वार के द्वारा वो जो चेंजेस लाए गए यूरोप में, तो इनका मेन पर्पस था कि उन्हें अनडू करना है, यानी कि उन्हें हटाना है, वो लागू नहीं होने चाहिए। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो देखिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो ये जो बर्बन डायनेस्टी थी इसे रिमूव कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरीज दैट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो देखिए वहाँ पर जो नेपोलियन के अंडर में कुछ टेरिटरी थी उन्हें रिस्टोर किया गया, और ये जो बर्बन डायनेस्टी थी इसे रिस्टोर किया गया, इसे पावर में लाया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो देखिए बहुत सारे स्टेट जो हैं बाउंड्रीज पर सेट कर दिए गए, उसका मेन कारण क्या था कि जो फ्रांस है वो और आगे एक्सपेंशन ना कर सके। तो देखिए क्या क्या वहाँ पर उन्होंने सेट किया ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। तो देखिए नॉर्थ में उन्होंने क्या सेट किया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम भी था। जिनोवा वाज एडेड टू पिटमोंट इन साउथ, और साउथ में क्या ऐड कर दिया गया, जिनोवा रखा गया। पर प्रूसिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न, तो देखिए वेस्टर्न की तरफ प्रूसिया को कुछ नई और महत्वपूर्ण टेरिटरीज दे दी गई। व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाई नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वहाँ पर 39 स्टेट उन्होंने सेट किए थे, लेकिन वो जो 39 स्टेट थे ना उन्हें टच नहीं किया गया, जो कि नेपोलियन के द्वारा सेट किए गए थे। इन द ईस्ट, अब ईस्ट की बात बताई जा रही है, रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रूसिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। तो देखिए जो रसिया था उसे पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, जबकि जो प्रूसिया था उसे सैक्सोनी का एक पोर्शन दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन एंड क्रिएटेड ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो देखिए ऐसा करने का इरादा क्या था उनका, उनका इरादा था कि जो मोनार्की फॉर्म थी उसे रिस्टोर किया जाए, जो कि नेपोलियन के द्वारा हटा दी गई थी
और यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है वो लागू किया जाए। कंजर्वेटिव रिजाइम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। तो देखिए ये जो कंजर्वेटिव रिजाइम थे, ये जो 1815 में सेट किया गया, ये निरंकुश थे, यानी कि इन पर कोई रोक टोक नहीं लगी हुई थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउथ टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेगिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो देखिए ये जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई इनकी आलोचना करे या इनकी आज्ञा को ना माने, और ये जो एक्टिविटी करते थे, ये जो काम करते थे, अगर इन पर कोई क्वेश्चन उठाता था गवर्नमेंट पर तो ये उसे पनिश करते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर बुक्स प्ले एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग थे, अगर न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्ले में, सॉन्ग के माध्यम से अगर लिबर्टी या फ्रीडम के बारे में कुछ विचार वो अपने रखते थे, कुछ भी कहने की कोशिश करते थे, तो उन्हें जो है दंडित भी किया जाता था, उन पर रोक लगाई जाती थी, उन्हें कंट्रोल किया जाता था। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाई द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो देखिए यहाँ पर जो नेशनलिस्ट थे वो इंस्पायर थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उससे, तो यहाँ पर बहुत सारे इशू जो हैं उठाए जा रहे थे लिबरल के बारे में, और वो जो है आलोचना करते थे इस बात की कि उन्हें जो है फ्रीडम नहीं मिल रही थी, यानी कि वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुक के माध्यम से जो कुछ कहना चाहते थे उसकी फ्रीडम उन्हें नहीं मिल पा रही थी। अब हम पढ़ेंगे द रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ हुए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन drove many liberal nationalists underground। तो देखिए ये जो 1815 की बात है, अभी हमने पढ़ा था कि फिर से मोनार्क फॉर्म आ गई थी और वो निरंकुश थे, उन पर कोई रोक टोक नहीं थी, तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे ना, लिबरल नेशनलिस्ट, वो अंडरग्राउंड हो गए थे इस डर से कि कहीं उन्हें ख़त्म ना कर दिया जाए, मार ना दिया जाए। अब क्या होने लगा, सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड दियर आइडियाज़। तो देखिए बहुत सारी सोसाइटी जो है सीक्रेटली बनने लगी थी और यूरोपियन स्टेट में फैलने लगी थी, और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्हें ट्रेन किया जाने लगा था, और जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो फैलाया जाने लगा था। टू बी रेवोल्यूशनरी एट द टाइम मीन ए कमिटमेंट और टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर ए वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो देखिए अगर कोई इस चीज़ का रेवोल्यूशन करता था, यानी कि जो लोग रेवोल्यूशन की तरफ जाते थे, तो मान लिया जाता था कि वो जो है मोनार्कियल फॉर्म का अपोज कर रहे हैं, उसके खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये वियना कांग्रेस थी और ये एस्टेब्लिश कर दी गई थी, तो अगर कोई रेवोल्यूशन करता था तो मान लिया जाता था कि उनके विरुद्ध हैं, उनके सामने खड़े हो रहे हैं और वो लड़ रहे हैं लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो देखिए अब जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें दिखने लगा था कि अगर उन्हें नेशन स्टेट चाहिए तो ज़रूरी है कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा फ्रीडम के लिए। वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रेवोल्यूशनरी गुसेप्पी मज़ीनी बोर्न इन जेनेवा इन 1807। तो देखिए ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी की यहाँ पर बात बताई गई है जिनका नाम क्या है, गुसेप्पी मज़ीनी है, जिनका जन्म हुआ था जेनेवा में 1807 में। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। तो देखिए वो जो है कार्बोनारी के एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशनरी
रेवोल्यूशन इन लिंगूरिया। तो देखिए उन्हें जो है देश से बाहर निकाल दिया गया था। एग्जाइल मीन्स होता है देश से निकालना। तो 24 साल की उम्र में वो जो है उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है रेवोल्यूशन करने की कोशिश की थी, क्रांति करने की कोशिश की थी। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। तो देखिए उन्होंने जो है दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बना दी थी। फिर उसके बाद एक का नाम था यंग इटली इन मर्सलीज और दूसरे का नाम था यंग यूरोप इन बैरन। तो यहाँ पर इन्होंने दो सोसाइटीज़ की स्थापना की थी, हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। तो देखिए उसके जो मेंबर थे वो यंग मैन थे, जो कि पोलैंड से थे, फ्रांस से थे, इटली से और जर्मन से थे। मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए उनका मानना था, उनका विश्वास था कि गॉड भी यही चाहते हैं कि जो इंसान है उनके लिए एक नेशन हो जो कि फ्री हो। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो वो ये मानते थे कि फिर इटली ही क्यों छोटे छोटे स्टेट और किंगडम में डिवाइड हो। इट हैड टू बी फोर्स इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। देखिए उनका मानना था कि ये जो यूनिफिकेशन है ना, यही इटली को आज़ादी दिला सकता है। तो देखिए फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो देखिए इसी की तरह जैसे कि उन्होंने बहुत सारी सोसाइटी बनाई, इसी की तरह और भी बहुत सारी सोसाइटी सेटअप की गई जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में। मजीनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटन द कंजर्वेटिव। तो देखिए यहाँ पर जब मजीनी के ये जो विचार थे, उनका जो विजन था कि जो देश है इटली है या और दूसरे देश हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हों, इसकी वजह से जो कंजर्वेटिव थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेट्रेनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। तो देखिए मेट्रेनिच का कहना था, वो किसे कहते थे, मजीनी को कहते थे कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है ये जो हमारा ऑर्डर है उसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830-1848। तो देखिए 18 साल का जो ये समय था इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया। इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, पढ़ते हैं। एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राई टू कंसोलिडेट दियर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप सच एज इटालियन जर्मन स्टेट। तो देखिए ये जो कंजर्वेटिव थे ये अपनी पावर जो है इन्होंने बना ली थी अब, लेकिन जो नेशनलिज्म थे, लिबरलिज्म थे, वो जो है उनकी ताकत भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अलग अलग रीजन में वो जो है रेवोल्यूशन कर रहे थे, जैसे कि वो इटली में, जर्मन के स्टेट में वो रेवोल्यूशन कर रहे थे। द प्रोविनेंस ऑफ ओटोमन एम्पायर इरलैंड एंड पोलैंड। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। दीज रेवोल्यूशन वर लीड बाई द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडल क्लास इलाइट, अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। तो देखिए ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, ये जो है जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे उनके द्वारा लीड किया जा रहा था, जो प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर थे, क्लर्क थे या फिर कमर्शियल मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके द्वारा ये रेवोल्यूशन लीड किया जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो देखिए जो पहला जो रेवोल्यूशन हुआ वो 1830 में फ्रांस में ही हुआ, वापस से पहले भी फ्रांस में हुआ था, अभी भी फिर से फ्रांस में हुआ। द बर्बन किंग
who had been restored to power during the conservative reaction after 1815. तो देखिए 1850 में क्या हुआ था, ये जो बर्बन किंग थे इन्हें वापस से इनकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया था कंजर्वेटिव के द्वारा. वर नाउ ओवरथ्रोन बाई लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द लुइस फिलिप एट इट्स हेड. तो देखिए अब क्या हुआ, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इन्होंने फिर से, ये जो बर्बन किंग थे इनको ओवरथ्रोन कर दिया, इसको हटा दिया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है ला दिया. और वहाँ पर इन्होंने किसको, ये किसे लेकर आए, लुइस फिलिप को लेकर आए अपना हेड बनाकर. वैन फ्रांसिस मैटरनिच वंस रिमार्क, मैटरनिच एक बार कहते हैं कि अगर फ्रांस छींकता है द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, तो देखिए जितना भी यूरोप है सबको सर्दी पकड़ लेती है. तो इनका कहना था कि अगर फ्रांस में कुछ होगा तो पूरे यूरोप में वो फैल जाएगा. द जुलाई रेवोल्यूशनर स्प्रैंकड एंड एन अपराइजिंग इन बर्सल विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि बेल्जियम किस में मिला हुआ था, नीदरलैंड में मिला हुआ था. तो देखिए ये जो रेवोल्यूशन हुआ इसकी वजह से बेल्जियम अलग हो गया. लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो आने वाली वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो देखिए एन इवेंट देन मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो देखिए ये जो ग्रीक में इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुआ था इससे जो एजुकेटेड पर्सन थे ना, एजुकेटेड लोग थे, उनमें नेशनलिस्ट की भावना जगने लगी थी. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th century. तो देखिए जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th century से. द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगेन इन 1821. तो देखिए ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था पूरे यूरोप में, इससे क्या हुआ कि ग्रीक में जो रेवोल्यूशन चली की स्टार्ट हुई, शुरुआत हुई वो 1821 से हुई. वो भी चाहते थे कि वो भी स्वतंत्र हों. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गोट सपोर्ट, अब ये जो स्ट्रगल करने लगे और इन्हें सपोर्ट मिलने लगी फ्रॉम द अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, उन पर्सन से, उन लोगों से जिन्हें देश के बाहर निकाला जा चुका था, एंड फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सेम्पथाइज फॉर एनिसेंट ग्रीक कल्चर. तो देखिए कुछ लोग ऐसे थे वेस्ट यूरोप से जो एनिसेंट ग्रीक कल्चर से बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते थे. तो यहाँ पर उन्हें दो लोगों से जो है स्ट्रगल के लिए मदद मिलने लगी थी. तो यहाँ पर देखा हमने जो लोग देश से निर्वासित कर दिए गए थे उनके द्वारा और वेस्ट यूरोपियन के द्वारा उन्हें मदद मिलने लगी थी. पोएट एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर. तो देखिए जो पोएट्स हैं और आर्टिस्ट थे उनका मानना था कि यूरोपियन जो ग्रीस है ना उसे कार्डल यानी कि उसे माना गया है यूरोप सिविलाइजेशन का, की स्टार्टिंग जो है ग्रीस से हुई थी, ये माना जा रहा था. जो पोएट थे और आर्टिस्ट थे उनका मानना था कि ग्रीस से ही यूरोपियन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी और यहाँ पर उन्हें सपोर्ट मिल रही थी जिसमें वो जो मुस्लिम एम्पायर थे उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगे थे. द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड. तो देखिए एक पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन, उन्होंने जो है फंड इकट्ठा किया एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर, और बाद में युद्ध में लड़ने के लिए चले गए. वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ पर वो 1824 में उन्हें बुखार होने के कारण उनकी डेथ हो गई. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल
ऑफ 1832 ऑर्गेनाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। तो देखिए यहाँ पर ये संधि है, इसमें जो है इसमें कह दिया गया कि ग्रीस क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक स्वतंत्र नेशन है, और डेट है इसकी 1832। तो देखिए यहाँ पर 1821 से लेकर स्ट्रगल करना शुरू किया और यहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता मिली 1832 में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं कंप्लीट, जो बाकी का बचा हुआ आपका चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे काफ़ी लेंथी है, 2 वीडियो में भी कंप्लीट हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।